सफेद छोले मैंने भिगो दिए हैं, रात भर भिगे रहेंगे, नेक्स्ट डे हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे। तो The next day. जी कुकर ले लेंगे, उसमें हम जो है रात को हमने छोले भिगोए थे उसको हमें बॉईल करना है 4-5 विसल आने तक। अब इसमें आपको मैं कुछ खड़े मसाले डालने वाली हूँ। अब मैंने मोटी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और तेज पत्ता, लौंग एंड चाय की पत्ती। चाय की पत्ती के मैंने पैकेट्स ले लिए हैं, पैकेट यानी जो डिप वाली होती है ना वो वाला ले लिया मैंने। एंड चाय की पत्ती का पानी भी डाल सकते हो बट मैं मोस्टली यही यूज करती हूँ। तब हम इसको थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा है और डलेगा इसमें, तो यस अब इसको हम रख देते हैं उबलने के लिए। अब जी लगा दिया ढक्कन कुकर का, अब हम चलते हैं भटूरे का आटा तैयार करने। तो ये इस कटोरी में आप देख सकते हो, ये मेजर करके मैं 3 से 4 कटोरी मैदे की डालने वाली हूँ और इसमें थोड़ी सी जाएगी सूजी। ये जो आप कटोरी देख सकते हैं इसमें आधी कटोरी, पूरी कटोरी नहीं जाएगी, आधी कटोरी जाएगी, 4 कटोरी मैदा और आधी कटोरी सूजी। इस मेजरमेंट से मैं इसको डाल रही हूँ। तो ये जी आप देख सकते हैं, ये मैंने आधी से थोड़ी सी ज्यादा सूजी ले ली है, तो ये मैं इसमें डालने वाली हूँ, डाल दिया है मैंने। उसके बाद और हम क्या इसमें डालने वाले हैं, इसमें हम डालेंगे दही। 1 कटोरी पूरी दही, जो जिस मेजरमेंट से आपने मैदा लिया है उस मेजरमेंट से आपको दही, सेम कटोरी दही लेनी है। मैंने नमक डाल दिया है, मीठा सोडा डाल दिया है इसमें, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल भी, और इसको फिर हम गूंदते गया। इन सबको मिक्स कर लीजिए, फिर हम जब दही डालेंगे, दही डाल के भी इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये मैं दही डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हो मैंने यही कटोरी ली है दही की। ये जी मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से और अच्छे से इसको गूंथना है। ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा हार्ड भी नहीं गूंदना, हम इसको अब गूंदना स्टार्ट कर। अब जी मैंने इसको एक अलग से डोंगे में निकाल लिया है, इस पर मैं थोड़ा सा लगा दूंगी ऑयल और इसको मैंने गीले कपड़े से ढककर रख दिया। इसको मैं माइक्रोवेव के अंदर रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए। चलते हैं, मैंने खोल दिया कुकर का ढक्कन, आप देख सकते हैं कलर अच्छा आया है। अब जी जो इसमें खड़े मसाले हैं वो हम जो हमने डाले थे तेज पत्ता वगैरह, वो हम निकाल लेते हैं एक बार। अब जी एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दिया मैंने जीरा, मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। अब इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च का मिक्सचर जो हमने पीसा था वो मिक्सचर डाल लेते हैं। इसको अच्छे से हमें भूनना है, स्लो मीडियम गैस कर लीजिए और अच्छे से इसको भूनना है हमें। अब जी इसमें डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी, 3 से 4 टमाटर मैंने ले लिए थे और उसकी प्यूरी मैंने बना दी और मैंने इसको डाल दिया प्याज भुनने के बाद। अब इसको हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। अब सूखे मसाले में आपको लाल मिर्च डालना है, नमक डालना है, उसके बाद आपको डालना है गरम मसाला, छोले मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी नहीं डालनी यहाँ पर, ये सब डाल के अच्छे से कर लेना है आपको मिक्स। और इसको भूनने के लिए दोबारा से आपको 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच पर इसको भूनना है इस मसाले को। Thank you.
यहाँ पर अनार दाने का पाउडर और अनार दाना मुझे मिल गया, तो मैंने उसको पीस के अच्छे से इसमें डाल दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही मजेदार। अब इसमें डाल देंगे हम छोले, इसमें मेरी काली इलायची इसमें यहाँ रह गई है तो मैं उसको निकाल दूंगी। अब इसको हमें, अगर आपको ग्रेवी कम लग रही है ज्यादा लग रही है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, तो यहाँ पर इसको हमने करना है अच्छे से बॉयल। बॉयल आने दीजिए अच्छे से इसको, मीडियम पे ही स्लो पे कर लीजिए गैस को, और इसको हमें उबाल आने दीजिए। अब हम डाल देंगे जिसमें कस्तूरी मेथी और अच्छे से कर लेंगे इसमें इसको मिक्स, और अच्छे से लगाएंगे तड़का। ट्विस्ट, अभी ट्विस्ट बाकी है दोस्तों, तड़का स्पेशल लगने वाला है इसमें, और अमृतसरी पिंडी वाले छोले बनकर हमारे हो जाएंगे तैयार। फिर हम भटूरे की तैयारी करेंगे। आप देखिए मैंने अदरक की स्लाइसेस काट ली हैं, और इसमें हरी मिर्च, इसमें हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है मैंने, लाल मिर्च डाल दी है, इसमें जीरा डाल लीजिए, हींग डाल लीजिए, और जो तड़का लगने वाला है बाद में क्या ट्विस्ट आने वाला है देखिए, खुद खा के ही देखेंगे आप, पता लग जाएगा। एंड गरम मसाला, जीरा पाउडर भी डाल सकते हो आप इसमें, मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और देसी घी में लगाना है ये तड़का, याद रखना है इसको, ठीक है। अब जी डाल दीजिए छोलों के ऊपर, छोले मैं एक बार डोंगे में निकाल लेती हूँ। ये जी गया तड़का, और जो इसका स्वाद होगा आप देखना। ये जी बन गए हमारे छोले, अब हम चलते हैं भटूरे बनाने। जी बना लीजिए, अब इसको बेल लीजिए अच्छे से, जो भी शेप आपको देनी है भटूरे की। ये तो मेरा भटूरा तो पहले वाला तो टूट गया, तो चलिए बनाते हैं दूसरा, कोई नहीं। तो ये जी बन गई शेप, अब हम इसको हम तल लेंगे। जी हमारे अमृतसरी पिंडी वाले छोले बन के तैयार हैं, क्या कलर आया देखिए। अब हम करते हैं एंजॉय लंच, मिलती हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।